स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा में हमने देखा कि कैसे अनुज अनुपमा हनीमून के लिए मुंबई घूमने गए और वहां से उन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर उसे अपनी बेटी बनाया, जिसकी परवरिश और देखभाल दोनों मिलकर अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है इस शो में एक नए ट्विस्ट के साथ छोटी अनुपमा की जल्द एंट्री होने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनाथ बच्ची को गोद लेने के बाद अब कौन सी छोटी अनुपमा मान की जिंदगी में आ रही है और क्या है इसकी असली हकीकत, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। जी हाँ, दरअसल मान को अपनी बेटी के रूप में पहले ही एक अनाथ बच्ची अनु मिल गई, जिसे गोद लेकर इन्हें माता पिता बनने का सुख भी प्राप्त हो गया। लेकिन आज अनुपमा और अनुज का किरदार निभाने वाले अभिनेता गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो अपनी छोटी अनुपमा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ ये दोनों किसी और की नहीं बल्कि किंजल के होने वाले बच्चे को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा किंजल का नहीं बल्कि मान का होने वाला है। जहाँ एक तरफ अभिनेता गौरव खन्ना मस्ती मस्ती में ये कह रहे हैं कि किंजल का बच्चा छोटा अनुज होगा, तो वहीं अनुपमा बातों ही बातों में कह रही है कि वो छोटी अनुपमा होगी। इस तरह दोनों को आपस में ऐसा कहते देख फैंस का दिल गार्डन गार्डन हो गया, जो अब मान के बच्चे को लेकर अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। वेल दोस्तों, आप अनुपमा का ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।